नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई काम करना होता है। आप एजुकेशन लाइन से हैं, या आपने एजुकेशन अपनी बहुत अच्छे तरीके से की है, या आप अपने एजुकेशन में एक सब्जेक्ट में बहुत ही बढ़िया है और आप हमेशा एजुकेशन लाइन में ही जाना चाहते हैं और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो आपके मन में ख्याल आता है क्यों ना मैं अपना एक कोचिंग सेंटर खोलूं। आप अपना नया कोचिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं और आपने जगह रेंट पर, किराए पर ली हुई है और जो जगह है वो फर्स्ट फ्लोर पर है। तो ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको क्लासरूम का सेटअप कैसे करना चाहिए, अपने कोचिंग सेंटर का सेटअप कैसे करना चाहिए। आपकी जो बिल्डिंग है वो साउथ फेसिंग है और साउथ ईस्ट के भाग में स्टेयर्स बनी हुई है। आपके कोचिंग सेंटर की जो एंट्रेंस बनती है वो ईस्ट सेंटर से बनती है। ऐसी एंट्रेंस वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छी मानी जाती है। इसमें आपने क्लासरूम कहाँ बनाने हैं? आपके यहाँ एक क्लासरूम तो नॉर्थ जोन में बनेगा और दूसरा क्लासरूम आपका साउथ जोन में बनेगा। आपने अपने यहाँ पर ऑफिस का जो कैबिन बनाना है वो कैबिन आपने वेस्ट में बनाना है और रिसेप्शन जो बनानी है रिसेप्शन आपकी यहाँ पर बनेगी। ये आपकी अपनी रिसेप्शन आ जाती है और यहाँ पर आपका कोई भी पेरेंट्स मिलने आता है तो उसके लिए सिटिंग बन जाएगी। ओनर के कैबिन की जो एंट्रेंस बनानी है वो एंट्रेंस आपने यहाँ से बनानी है। ओनर की जो सिटिंग होगी ये ओनर की टेबल आ जाएगी एल शेप में, यहाँ पर ओनर की सीटिंग होगी और सामने पेरेंट्स के बैठने की सीटिंग बनेगी। आपने अपने यहाँ पर जो कैबिनेट बनानी है वो कैबिनेट आपने साउथ वॉल पर बनानी है। इस कैबिनेट के अंदर आपके अपने शील्ड, ट्रॉफीज, अवार्ड्स वो आ जाएंगे और इसी के साथ जो आपका स्टडी मटेरियल होता है वो भी आपका इसी कैबिनेट के अंदर आ जाएंगे। आपने अपने ऑफिस में जो सोफ़ा लगाना है वो सोफ़ा आपका अपना यहाँ पर आ जाएगा। रिसेप्शन में आपने अपने यहाँ पर बिलिंग के लिए जो प्रिंटर रखना है वो प्रिंटर आपका यहाँ पर आएगा और जो कंप्यूटर या लैपटॉप रखना है वो आपका अपना यहाँ पर आएगा। वेटिंग के लिए आपने अपने यहाँ पर सोफ़ा लगाना है तो वो सोफ़ा आपका अपना ईस्ट वॉल के साथ यहाँ पर आपका अपना सोफ़ा आएगा। पीने का पानी आपने कहाँ रखना है? पीने का पानी आपने ईस्ट के भाग में यहाँ पर रखना है। क्लासरूम में जाने के लिए जो आपने डोर बनाना है वो डोर आपने यहाँ से बनाना है। क्लासरूम के अंदर जो बोर्ड लगेगा वो बोर्ड आपका ईस्ट वॉल पर यहाँ पर आपका अपना बोर्ड आएगा। बच्चों के बैठने के लिए जो डेस्क लगेंगे वो डेस्क आपके इस प्रकार से आपके अपने डेस्क लग जाएंगे। जिस हिसाब से आपके पास स्पेस है उसके हिसाब से आप अपने डेस्क लगा सकते हैं। दो बच्चों के बैठने की सीटिंग बनती है डेस्क पे तो दो की बनाएं, और तीन की बैठने की सीटिंग बनती है तो तीन की बनाएं। वो आपके अपने स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही आपके डेस्क यहाँ पर भी आ जाएंगे। बच्चों का स्टडी करते समय फेस ईस्ट की ओर होगा और जो आपके अपनी टीचर बैठेंगी उसका फेस वेस्ट की ओर होगा। ये टेबल आ जाएगी और यहाँ पर आपके अपने टीचर बैठ जाएंगे। आपके यहाँ स्मार्ट क्लास चलती है तो उसके लिए टीचर की टेबल ऐसे आ जाएगी और फेस नॉर्थ की ओर हो जाएगा। ऐसे ही जो आपका सेकंड रूम है उसके अंदर भी जो डोर लगाना है डोर के ठीक सामने डोर आ जाएगा और जो बोर्ड लगाना है वो बोर्ड आपका ईस्ट वॉल पर आएगा। यहाँ पर भी बच्चों की जो बैठने की सीटिंग है
वो भी इसी प्रकार से बनेगी। बच्चों का फेस पढ़ते हुए ईस्ट की ओर होना चाहिए। जब भी बच्चे ईस्ट की ओर फेस करके पढ़ते हैं तो उनका रिजल्ट हमेशा ही बेहतर आता है। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, पीठ के पीछे कभी भी कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ जैसे भी स्पेस मिलता है, जितने भी बच्चों की बैठने की सीटिंग बनती है, उस हिसाब से आप अपने यहाँ पर बच्चों की बैठने की सीटिंग बना सकते हैं। टीचर के जो बैठने की सीटिंग बनेगी वो भी वेस्ट की ओर ही होगी। आपके यहाँ स्मार्ट क्लास है तो उसमें टीचर की जो फेसिंग है वो नॉर्थ की ओर हो जाएगी। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपके जितने भी क्लासरूम बनते हैं उनके अंदर लाइट रोशनी भरपूर होनी चाहिए, और हमेशा ध्यान रखना है फैन से लाइट कट के नीचे की ओर नहीं आनी चाहिए। कोशिश करें कि जितनी भी लाइट आपने लगानी हो वो कॉर्नर में लगे और दीवार के ऊपर लगे। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपकी बिल्डिंग साउथ फेसिंग है, आपके यहाँ साउथ के भाग में खिड़की जरूर मिलेगी, विंडो जरूर मिलेगी। इस विंडो पर आपने रेड कलर का या पिंक कलर का कर्टन लगाना है। आपका अपना कोचिंग सेंटर पहले से बना हुआ है और आपके यहाँ साउथ की खिड़की पर ब्लू कलर या ग्रे कलर का पर्दा है, कर्टन है, तो मेरा अपना ये मानना है कि जो ऑनर है उसके यहाँ सेविंग नहीं होती। उनका जो अपना पैसा है, जो यहाँ से पैसा कमाते हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं गलत जगह खर्च हो ही जाता है। आपके यहाँ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने ग्रे कलर के या ब्लू कलर के कर्टन को हटाकर रेड कलर या पिंक कलर के कर्टन को जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपका पैसा गलत जगह बेवजह खर्च नहीं होगा। आप भी अपनी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो निसंकोच होकर आप मेरे से वीडियो बनवा सकते हैं। आप किसी भी साइट के प्रति नक्शे पर सलाह लेना चाहते हैं, चाहे वो आपकी रेजिडेंशियल है, चाहे कमर्शियल है, चाहे इंडस्ट्रियल है, तो आप मेरे से सलाह ले सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हर एक वीडियो को बनाने के लिए बड़ी मेहनत की जाती है, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि हर एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को अपना अनुभव और वास्तुशास्त्र का जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वो आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से ज़्यादा शेयर कर सकूं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।